बहुत ही जल्द रंगों का त्योहार होली आने को है और होली से पहले लग जाएगा होलाष्टक। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा वर्ड है होलाष्टक। जिनको जानकारी होगी उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता ये होलाष्टक क्या है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। होली से पहले कुछ दिनों के लिए सभी शुभ कार्यों पर मनाही हो जाती है, उसी समय को हम होलाष्टक कहते हैं। वैसे तो होलाष्टक 8 दिनों का होता है, लेकिन आपको बता दूं कि इस साल 2023 में होलाष्टक 8 नहीं 9 दिनों का होने वाला है। आगे मैं आपको इस वीडियो में डेट के बारे में क्या क्या करना है क्या नहीं करना सारी जानकारियां दूंगी, लेकिन उससे पहले धर्मा लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। अच्छे से खेलिएगा, त्यौहार मनाइएगा, लेकिन रंगों का त्यौहार है तो कोशिश करनी है कि आप जब रंग खेलें, आप जब होली खेलें तो आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो, कोई बुजुर्ग पे ऐसे रंग ना फेंक दे। बहुत सारे लोग जो है छत पे चढ़ जाते हैं और राह चलते लोगों पे कलर्स फेंक देते हैं, ये भूल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो नीचे से जा रहा है या जो आपकी बगल से जा रहा है उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हों, उसको कुछ दिक्कतें हों। तो होली आप मनाइए जरूर, लेकिन पूरी समझदारी के साथ, आपकी वजह से कोई जानवर परेशान ना हो जाए, क्योंकि लोग जानवरों को भी रंग लगा देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं होलाष्टक की। तो होलाष्टक जो है इस साल 2023 में 27 फरवरी से शुरू हो जाएगी और ये इस साल जो है 7 मार्च को होलिका दहन के साथ समाप्त होने को है। हर बार 8 दिन का होता है, लेकिन इस बार ये 9 दिन का हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि होलाष्टक में कुछ चीज भूल के भी नहीं करते हैं। क्या क्या वो चीजें हैं? सबसे पहले सोना चांदी नहीं खरीदना होता है, तो ये डेट नोट कर लीजिए, इस दौरान सोने चांदी की खरीदारी नहीं करनी है। दूसरी चीज, लेन देन नहीं करना होता है, यानी किसी से पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी खरीदना, भूमि या कोई घर खरीदना, वाहन खरीदना, ये सब कार्य पे भी मनाही होती है, ये भी मत कीजिएगा। तीसरी चीज क्या है, आपको कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जैसे कि शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, ये भी नहीं करना होता है, तो इसको भी आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके के अच्छे काम, मांगलिक कार्य, नए कार्य की शुरुआत जो है इस डेट पे नहीं करनी चाहिए होलाष्टक के दौरान। तो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में यही बताया कि होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में क्या करना चाहिए, आपको धार्मिक चीजें जैसे कि आप मंत्र उच्चारण कीजिए, जाप कीजिए, आप घर में रह के पूजा पाठ कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए, लेकिन नई चीज की शुरुआत भूल के भी मत कीजिएगा। डेट मैंने आपको बता दिया और साथ ही साथ मैं बहुत जल्द आपके लिए होली से जुड़ी और भी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। फिलहाल कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं धर्मा लाइव पर आती हूँ आपके लिए लेकर हर दिन का राशिफल, आपके सवाल को शामिल करती हूँ, उसका जवाब देती हूँ। आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। एक बार फिर से आप सभी को रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।